वीरनर में दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष बीकॉम बीबीए बीएससी और बीसीए में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उच्च मेरिट वाले छात्र को प्रवेश से वंचित रखा गया होने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने कुलपति को विज्ञापन दिया। वीरनर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में डिसेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम से प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत टॉपर या उच्च मेरिट वाले छात्रों को कॉलेज से प्रवेश के लिए मैसेज भेजा जाता है, मगर प्रवेश नहीं दिया जाने का आरोप एनएसयूआई ने लगाया है। टॉपर छात्रों के स्थान पर कम प्रतिशत वाले छात्रों को कॉलेज द्वारा प्रवेश देकर प्रवेश फुल कर दिया जाता है। कॉलेज अपनी सीट खाली न रह जाए, इसलिए एक साथ कई छात्रों को प्रवेश हेतु मैसेज सेंड करके पहले आए पहले पायो सिस्टम से प्रवेश दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 इंडिया।